बड़काट में वागती है। यूं कह भगवान जी कोई महाराज जी कोई दो मित्र आपरी नमाज को जो इगर सराख ली इगर सराखी जो कोई करियो के मंदिर गया और गुरु महाराज को बड़ चरणामत दियो का अरे अरे चरणामत रे मा है जो चावल तो दानो आ गयो वाह जन भी दूस छोड़ देख रियो बोले भाई मार चावल तो दानो आ गयो चरणामत में हां इगर की बंदगी हां इगर तो मनी कोनी साबुदाने री खिचड़ी भी है अरे अरे टमाटर का टमाटर ये की अमरूद ही है अरे गैस ले रखी है जन मारो रोटी गर्म उड़ी है जीम लो जीम लो पी क्यों ग्यारस तुम्हारे बंदगी बट के मिंदर गियो जो गोला चावल तो दानो आ गयो जीम हुई क्यों जीम को अरे जन भी जो ही है जो कुबा रोटी जलाई वो चूर रोटी हागड़ी तकड़ी वाह जीमन लाई और कुबा दूस रुड़ आयो भी क्यों फाई करे वो रोटी जीमो हाँ रोग नंबर लागे नहीं भाई इग्यार्स करोड़ी है इग्यार्स करोड़ी है हाँ बोले इग्यार्स बट मिंदर किया दन बंदगी बोले बट तो बंदी ही हाँ तो तू सूरो मुरो ही करे ये तू हपाई हाँ गड़बड़ी करे तो चिंता ना करो थोड़ा करा दे वो पाँच दे हो कैमरा इग्यार्स कर लो मरा दिन कुआ कई ग्यार कला मैं तो बार से देखा कौन बस ग्यार रह कर लाल माने आ बात है काई देरी बात है अरे कोई ग्यार किताबे को आवे ताबे को आवे पी कर सब को खाते हैं वो पी कर सब को खाते हैं और पी कर सब का पीर पी कर का भागा करे तो उनका नाम फकीर अदल के सो अवली आई वो अदल के सो अवलिया और बे अदल के सो पीर अदबे अद दोनों लखे तो उनरा नाम फकीर अरे व्यापकी ओ ब्रह्म अखंडिती पूरण आपन बसती एक फकर के अरे धन और दूजी नारी ये फकीरी अरे जीते कामी चो दी तो मोही ओ ज्ञान खड़क से मारी फकीरी अरे ज्ञान खड़क से मारी
फकीरी के वन बस्ती है इच्छा।
बारे पच महाराज बन वैर चाहे बस्ती वे एक समान है। क्यों के व्यापक ब्रह्म अखंडत पूर्ण, वो ब्रह्म है जो को सब में व्यापक है, अखंड यानी कि वो कभी खंडित होने वाला है नहीं और वो महाराज पूर्ण है। व्यापक ब्रह्म अखंडत पूर्ण और केबीरो कोई फकरी करे है दीदार, दीदार के दर्शन में दीरा कोई दर्शन है जगह महाराज कोई बिरला है जगह जोगी करे किसा करे। जन अचल राम जी महाराज लिखे है कि दो वस्तु का त्याग फकर के सब जगह कठिन त्याग है वो बताइए महाराज। दो वस्तु का त्याग फकर के धन और दूजी नार, क्योंकि सबसे कली काल में अपने प्रिय एक दो ही चीज लागे माया और महाराज शक्ति, ये दोनों माया रही रूप है। धन और दूजी नार तो के जीते काम क्रोध लोभ मोह, अन के ज्ञान खड़क से मार, ज्ञान रूपी खड़क अन जीते। फकीरी बन बसती है एक सार, व्यापक ब्रह्म अखंड पूर्ण तो के बिरो कोई फकीरी करे है दीदार। अरे शंकर तो फिर कहे कि इनको जीते फकर सोई पूरा, अर पच महाराज वो बन बसो चाहे बाजार, पच वो बन में बसे अर चाहे बाजार में बसे एक ही बात है। क्यों कि स्व इच्छा विचरे जग माए, आपरी इच्छा महाराज जी वो संसार में विचरण करे, दूसरे कोई इच्छा लागू को नहीं मत। वो तो है जो को महाराज बिल्कुल है जो को संसार से अलग है। स्व इच्छा विचरे जग माई अर के वो अर्धम ब्रह्म विचार, हमेशा है जो को विचार भी ब्रह्म रूप चले। फकीरी बन बसती है इक्षार, व्यापक ब्रह्म अखंड पूर्ण तो के भी फकीरी करे है दीदार। तो फिर महाराज क्यों है स्वामी अचल राम जी महाराज लिखे है बारे महाराज पच बेरागरी जकी खुमारी है जकी एक पल छिन है जो उतरे को, क्योंकि हरदम रहे मैं तो सबने एक दृष्टि दस है समदृष्टि सब माही निरंतर, समदृष्टि के महाराज जी जो को सब नहीं ब्रह्म ही जाने महाराज दूसरी दृष्टि देख ले समदृष्टि सब माही निरंतर, भाई बड़ थोड़ी ताल रे ली नहीं हमेशा हरदम समदृष्टि सब माही निरंतर अर के सदा रहे इक्षार, अर उतरे नहीं बेरागरी खुमारी के पल छिन आद लिगार, अरे फकीरी बन बसती है इक्षार। जन महाराज कहे है कि गुरु शुक्र राम फकर मिलिया पूरा, पूरा फकर मिलिया महाराज। हाँ जन के मेटा भेद विकार, मारो जो पांच प्रकार रो भेद है जो गुरु महाराज बैठे जो मेट दियो। क्यों के जीव जीव का भेद, जीव और ब्रह्म का भेद, ऐसे महाराज पांच प्रकार रो भेद जो गुरु महाराज मेट्यो। मेटा भेद विकार तो के अचल राम जितेंद्रिय मन, मन और इंद्रियों को महाराज इसी ढंग है जो जीता। अचल राम जितेंद्रिय मन पचके बोध रूप निराधार, अरे फकीरी बन बसती है इक्षार, व्यापक ब्रह्म अखंड पूर्ण तो के बिरो कोई फकीरी करे है दीदार। सच्चिदानंद भगवान की, राम जी महाराज की।